वेलकम लर्नर्स, दिस इज योर मेंटर टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज का हमारा टॉपिक लिटरेचर पोशर में एक कॉमेडी प्ले है, ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, जिसको 1595 से 1506 के बीच में लिखा और परफॉर्म किया गया था। ठीक है, प्ले की सेटिंग रखी गई है एथेंस और उसके पास एक जंगल। ठीक है, ये जो प्ले है शेक्सपियर का, ये शेक्सपियर की खुद की इन्वेंशन है, लेकिन इसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग स्टोरी से लिए गए हैं। इस प्ले का जो थीम है वो है लव एंड मैरिज। इस प्ले में आपको मास्क, एंटी मास्क और इंटरल्यूड मिलेंगे। ठीक है, और इस प्ले में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी देखने को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्ले में आपको हैमलेट की तरह एक चीज और मिल सकती है, जो है ए प्ले विद इन प्ले। ठीक है, इस प्ले में आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो है दो फ्लावर्स। ठीक है, वो जानने भी जरूरी है। दो फ्लावर्स रहते हैं, पहला है लव इन आइडलनेस, जिसको अगर जिसकी आंखों में किसी पर्सन की आंखों में अप्लाई कर दिया जाए तो उस पर्सन को अपने सामने दिखने वाला पहला शख्स से प्रेम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो फ्लावर है वो है डायनास बड, जो कि एंटीडोट है लव इन आइडलनेस का। ठीक है, जो कि पहला फ्लावर था। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एडिशनल फैक्ट्स। अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। जी, थीसियस ड्यूक ऑफ एथेंस है, एजियस फादर ऑफ हर्मिया है, लाइजेंडर एंड डेमेट्रियस ये दो लोग हैं जो हर्मिया से प्यार करते हैं, बॉटम द वीवर, हिपोल्टा अमेजन्स की रानी है, हर्मिया लाइजेंडर से प्यार करती है, हेलेना डेमेट्रियस से प्यार करती है, ओबेरन जो फेरीज का किंग है। इसके बाद टाइटेनिया है, क्वीन है फेरीज की, पक है जिसका दूसरा नाम रॉबिन गुडफेलो भी है, ये भी एक फेरी है, स्नाउट है जो टिंकर है, स्टारविलिंग है जो टेलर है, पैरामस, थीसबे, वॉल, मूनशाइन, लॉयन आर कैरेक्टर्स इन द इंटरल्यूड। उसके बाद स्नग है जो जॉइनर है, क्वींस है द कारपेंटर है, पी ब्लॉसम, कॉब वेब, मॉथ, मस्टर्ड सीड आर्ट फेरीज। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। जी, थीसिस स्टोरी शुरू होती है थीसिस से, जो कि ड्यूक ऑफ एथेंस है एंड हिपोल्टा द फॉर्मर क्वीन ऑफ अमेजन्स। थीसिस है जो एथेंस का ड्यूक है, हिपोल्टा है जो अमेजन्स की रानी है। ठीक है, आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर मैरिज, वो तैयारी कर रहे हैं अपनी शादी की। ठीक है, हर्मियन इज इन लव विद लाइजेंडर, एजियस फादर ऑफ हर्मिया इज नॉट रेडी फॉर दिस यूनियन। जी, हेलेना इज द फ्रेंड ऑफ हर्मियन, शी इज इन लव विद डेमेट्रियस, बट डेमेट्रियस डज नॉट लव हर, एजियस इज एंग्री एंड सो ही गोज टू मीट द ड्यूक, देयर इज अ लॉ इन एथेंस, ए डॉटर हैज टू मैरी द मैन हु इज चूजन बाय हर फादर, इफ शी डज नॉट ओबे और शी विल हैव टू फेस डेथ और शी विल हैव टू बिकम ए नन। द ड्यूक आस्क्स हर टू ओबे हर फादर। जी, अब हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक्चुअली जो एथेंस शहर है वहाँ पे एक ऐसा कोई रूल है जहाँ पे लड़की की शादी सिर्फ पिता की पसंद से ही हो सकती है। लड़की की पसंद यदि पिता की पसंद नहीं होती है तो पिता के चाहने पर लड़की को सजाए मौत भी दी जा सकती है। इस कहानी में हर्मिया जो लाइजेंडर से प्रेम करती है, उसके जो पिता हैं एजियस, वो रेडी नहीं है इस शादी के लिए, किसकी, हर्मिया और लाइजेंडर की। ठीक है, और उन्होंने जो उनके पिता एजियस है, उन्होंने शादी के लिए डेमेट्रियस को चुना है, और जो हेलेना है वो हर्मिया की फ्रेंड है, वो डेमेट्रियस को पसंद करती है, यानी हेलेना डेमेट्रियस को लाइक करती है, हर्मिया लाइजेंडर को लाइक करती है। ठीक है, डेमेट्रियस जो है वो हेलेना को लेकिन पसंद नहीं करता है, अब वो हर्मिया को पैसे की वजह से चाहता है। ठीक है, इस पर एजियस जो है वो गुस्सा करते हैं। ठीक है, और वो ड्यूक के पास जाकर के अपनी शिकायत करते हैं, अपनी डॉटर की अपनी समस्या का हल चाहते हैं। ठीक है, तो जो ड्यूक है वो हर्मिया को बोलते हैं कि वो अपने पिता की बात माने।
ठीक है, यदि वो नहीं मानती है तो उसे या तो मृत्युदंड दिया जाएगा या फिर दासी बना दिया जाएगा, ठीक है। और इसलिए जो ड्यूक है, चूंकि वो भी नियमों से ही बंधा हुआ है, इसीलिए वो हर्मिया को अपने फादर की बात मानने के लिए बोलता है, ठीक है। लाइजेंडर एंड हर्मिया प्लान टू इलोप। अब लाइजेंडर और हर्मिया जो है वो भागने का प्लान बनाते हैं। हर्मिया शेयर्स हर प्लान विद हेलेना, और जो हर्मिया है वो अपना ये प्लान अपनी दोस्त हेलेना से बताती है। लेकिन जो हेलेना होती है वो डेमेट्रियस का प्यार पाने के लिए या उसके सिंपैथी चाहने के लिए वो ये प्लान शेयर कर देती है। अब जो दो लवर्स हैं लाइजेंडर और हर्मिया, ये भाग जाते हैं एथेंस से, बचा लॉस्ट इन द वुड्स, लेकिन जंगल में खो जाते हैं, और डेमेट्रियस उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जाता है, और हेलेना डेमेट्रियस के पीछे पीछे उसके पीछे चली जाती है, ठीक है। पीटर क्विंस एंड हिज फेलो प्लेयर्स जी, निक बॉटम, फ्रांसिस फ्लूट, रॉबर्ट स्टारवेलिंग, टॉम स्नाउट एंड स्नग मीट टू डिस्कस ए प्ले ऑन थीम ऑफ पैरामर्स एंड थिस्बी। यहाँ पे जो आपको करेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी एक शो का रिहर्सल करने के लिए जंगल में जाते हैं, ठीक है। और वो शो किस लिए है, यहाँ पे जो थीसियस है और जो हिपोल्टा है उनकी वेडिंग पे परफॉर्म करने के लिए वो रिहर्सल कर रहे होते हैं, ठीक है। दे प्लान टू रिहर्स दिस प्ले इन द फॉरेस्ट, और वो इस जंगल में ये अभ्यास प्ले का करने के लिए जाते हैं। ओबेरॉन इज द किंग ऑफ फेयरीज, ही हैज टू कम द फॉरेस्ट विद हिज क्वीन टाइटेनिया। ओबेरॉन जो कि परियों का राजा है, ही हैज कम टू द फॉरेस्ट विद हिज क्वीन टाइटेनिया। वो जंगल में जाता है अपनी रानी टाइटेनिया के साथ में, ठीक है। ओबेरॉन आस्क्स फॉर द चेंजलिंग बॉय, बट द टाइटेनिया रिफ्यूजेस टू गिव द बॉय टू हिम। एक्चुअली ओबेरॉन अपनी रानी टाइटेनिया से एक बच्चा अपना सेवक बनाने के लिए मांगता है, जो टाइटेनिया के दोस्त का बच्चा है, ठीक है। तो जो रानी टाइटेनिया होती है वो उसे देने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो उसे अपना बच्चा समझकर पालती पोसती है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर्ग्यू ओवर दिस इशू, और दोनों के बीच में एक बहस होती है। ओबेरॉन वांट्स टू पनिश टाइटेनिया फॉर हर डिसओबीडियंस। ओबेरॉन टाइटेनिया की अवज्ञा के लिए उसे दंडित करना चाहता है। ही कॉल्स रॉबिन पक, वो अपना रॉबिन पग जो कि ओबेरॉन का जो सेवक है, सर्वेंट है, उसे बुलाता है, ठीक है। एंड पक इज श्रूट एंड नेविश स्पिरिट, ठीक है, ये एक बहुत शातिर और शरारती स्पिरिट रहता है जी पक, जो कि हमने पढ़ा था, क्या नाम था पक का, रॉबिन गुड फेलो, ठीक है, ये भी एक परी जैसा ही होता है जी। ही आस्क्स पक टू ब्रिंग ए मैजिकल जूस डिराइव्ड फ्रॉम ए फ्लावर लव इन आइडल नेस्ट। वो उससे एक जादुई का फूल, जादुई जो फूल होता है उसका रस मंगवाता है। आपको याद हो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में दो फ्लावर से, पहला लव इन आइडलनेस, दूसरा डायनास बड, ठीक है। तो यहाँ पे लव इन आइडलनेस की बात की जा रही है। द स्पेशलिटी ऑफ दिस जूस इज दैट व्हेन इट इज अप्लाइड टू द आईलिड ऑफ ए स्लीपिंग पर्सन, द पर्सन वो अपॉन वॉकिंग फॉल्स इन लव विद द फर्स्ट लिविंग थिंग दैट ही और शी सीज, ठीक है। और इस फूल की खासियत ये होती है कि जो भी उसे अपनी आंखों में डालेगा उसके सामने पड़ने वाले पहले इंसान से उसे प्रेम हो जाएगा, ठीक है। He wants to make Titania fall in love with an animal and thus shame her to the extreme that she may leave her page the little boy। ओबेरॉन चाहता है कि वह रस जो है वो टाइटेनिया की आंखों में डाला जाए, जिससे वो अपनी इच्छा को पूरी कर सके, उसकी थोड़ी बेइज्जती कर सके, ठीक है। हेलेना मेक्स एडवांस टुवर्ड्स डेमेट्रियस बट ही रिजेक्ट्स हर। और इस तरफ दूसरी तरफ जो हेलेना है जो डेमेट्रियस के पीछे जा रही है, और जो डेमेट्रियस है वो लाइजेंडर और हर्मिया के पीछे जा रहा है, ठीक है। तो हर्मिया इधर डेमेट्रियस के पीछे आती है, डेमेट्रियस बट ही रिजेक्ट्स हर, लेकिन जो डेमेट्रियस होता है वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है, उसे मना करता है, ठीक है। ओबेरॉन जी, ओबेरॉन सीज दिस, ही आस्क्स पर्स पक टू पुट द पोशन ऑन डेमेट्रियस आइज। तो जो ओबेरॉन रहता है वो यह सब चीज़ देखता रहता है, और वो पग को जो फ्लावर का जूस रहता है उसे डेमेट्रियस की आंखों में डालने के लिए बोलता है। पग मिस्टेक्स लाइजेंडर फॉर डेमेट्रियस। तो जो पग रहता है वो गलती से डेमेट्रियस की आंखों में फ्लावर का रस ना डाल करके लाइजेंडर की आंखों में डाल देता है।
परिणामतः जो रस रहता है वो लेजेंडर की आंखों में बढ़ जाता है, ठीक है जी। द रिजल्ट इज दैट लेजेंडर वेक्स अप एंड फाइंड्स हेलेना, और उसी समय पे वो उसको हेलेना को पाता है। एज सून एज सी सीज हर ही फॉल इन लव विद हर, और जैसे ही वो उसको देखता है उसके प्रेम में पड़ जाता है। ही चेजेस आफ्टर हेलेना, वो उसके पीछे पड़ जाता है एंड लीव्स हर मिया अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द जूस। और जो लाइजेंडर रहता है वो ऑलरेडी जो हर्मिया से प्यार करता रहता है, क्योंकि गलती से उसकी आंखों में लव इन आइडलनेस का जूस पड़ जाता है, इस वजह से वो हर्मिया को छोड़ करके हेलेना से ही प्यार करने लग पड़ता है। ठीक है, तो ओबेरन सीज जस्ट अ मिनट। जी। ओबेरन सीज डेमेट्रियस हु इज स्टिल फॉलोइंग हर्मिया। अब ओबेरन वो डेमेट्रियस को देखता है जो कि हर्मिया को चाहने लगता है, ठीक है। ही बिकम्स एंग्री, वो काफ़ी गुस्सा होता है, और पक को जो है जो लाइजेंडर की आंखों में उसने जो गलती से लव इन आइडलनेस का जूस डाला हुआ रहता है वो उसको इस बार डेमेट्रियस की आंखों में डालने के लिए बोलता है। और जब वो डेमेट्रियस वेक्स अप एंड सीज हेलेना, जी तो जब वो डेमेट्रियस की आंखों में जब जूस अप्लाई किया जाता है उसके बाद जब डेमेट्रियस जागता है तो हेलेना को देखता है। नाउ ही फॉल्स इन लव विथ हेलेना, और फिर जब वो अब इस बार जो उसकी पक की गलती रहती है वो ठीक हो जाती है, वो इस बार जा करके जो लव इन आइडलनेस का जूस रहता है वो डेमेट्रियस की आंखों में डालता है, और इस वजह से अब जो डेमेट्रियस है वो हेलेना से प्यार करने लग जाता है। ही चेजेस आफ्टर हर, अब वो उसके पीछे निकल पड़ता है। नाउ टू मेन लाइजेंडर एंड डेमेट्रियस शेज वन वुमेन हेलेना। अब इस तरह से लाइजेंडर की आंखों में ऑलरेडी और अब डेमेट्रियस की आंखों में लव इन आइडलनेस का जूस पड़ने की वजह से दोनों एक ही वुमेन जो हेलेना है उससे प्यार करने लग जाते हैं। हेलेना थिंक्स दैट बोथ ऑफ देम आर मॉकिंग एट हर, उसको लगता है कि वो सब लोग दोनों लोग मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हर्मिया फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई लाइजेंडर इज चेजिंग आफ्टर हेलेना। और इधर जो हर्मिया होती है जब वो ये सारी चीज़ें देखती है तब वो सोच में पड़ जाती है कि लेजेंडर हेलेना के पीछे क्यों जा रहा है। द फोर क्वेरल, अब ये चारों आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। हर्मिया एक्यूजेस हेलेना ऑफ स्टीलिंग लेजेंडर अवे फ्रॉम हर। हर्मिया दोषारोपण करती है हेलेना के ऊपर क्योंकि उसने लेजेंडर को उससे चुरा लिया होता है। तो डेमेट्रियस एंड लेजेंडर चैलेंज इच अदर टू ए ड्यूएल। तो जो इधर डेमेट्रियस और लाइजेंडर होते हैं वो दोनों एक दूसरे को द्वंद्व के लिए ललकारते हैं। ओबेरॉन ऑर्डर्स पक टू रिमूव द चार्म फ्रॉम लाइजेंडर सो दैट ही मे रिटर्न टू हिज लव हर्मिया। और जो ओबेरॉन रहता है अब वो पक को ये ऑर्डर देता है कि डायनास बर्ड यानी जो सेकंड फ्लावर है उसका मैजिकल जूस ला करके लाइजेंडर की आंखों में डाल दिया जाए, जिससे लाइजेंडर का जो हेलेना के प्रति प्यार है वो समाप्त होकर के फिर से हर्मिया के लिए हो जाए। ठीक है, तो पक प्लेसेस एज जी पक प्लेसेस एन एज हेड ऑन बॉटम। और जो पक होता है वो क्या करता है, बॉटम जो कि एक वीवर था उसके सर पे एक गधे का सर रिप्लेस कर देता है। तो बॉटम्स फ्रेंड्स रन अवे, तो इससे जो बॉटम के दोस्त होते हैं वो सभी लोग भाग जाते हैं। एज सुन एज दे सी हिम विद द एज हेड, तो उसके जो दोस्त होते हैं वो सभी बॉटम को गधे के सर के साथ में देख करके भाग जाते हैं। बॉटम स्लीप्स, तो बॉटम जब सो जाता है द फ्लावर जूस इज अप्लाइड ऑन टाइटेनियस आईलिड। तो जो टाइटेनिया रहती है, टाइटेनिया की आंखों में भी ये जो लविना आइडलनेस रहता है ये पग जा करके अप्लाई कर देता है। शी वेक्स अप एंड सीज बॉटम विद हिज एज हेड, तो जब वो जागती है तो वो बॉटम के हेड को देखती है यानी गधे के सर को देखती है। शी फॉल्स इन लव विद द एस, और वो उससे प्यार करने लग पड़ती है। शी इंटरटेन्स हिम विद हर फियरीज, तो वो उसको खुश करने में लग जाती है अपनी बाकी परियों के साथ में। तो ओबरन टेक्स द चेंजलिंग बॉय फ्रॉम हर, और इस प्रकार से वो चेंजलिंग बॉय को उससे उसके पास लाता है। देन ही रिलीजेस टाइटेनिया फ्रॉम हर स्पेल, उसके बाद में वो अंततः टाइटेनिया को जब उसका जब उसको लगता है कि बस इनफ हो गया है तो टाइटेनिया को जो है ये सारी चीज़ों से लव इन आइडलनेस से रिलीज कर देता है, ठीक है। पक रिमूव्स द एस हेड फ्रॉम बॉटम, और इधर जो पक रहता है वो जो बॉटम के सर पे उसने एस के हेड को फिट किया था वो चीज़ हटा देता है, रिमूव कर देता है। उसके बाद तब जो बॉटम होता है वो अपने दोस्तों से जाकर मिल जाता है, ठीक है।
थीसिस एंड हिपोल्टा केम टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग. और इधर जो थीसिस और जो हिपोल्टा हैं, ये दोनों जंगल में शिकार के लिए जाते हैं. एजियस विद देम, जो हर्मिया का फादर होता है एजियस, वो भी उनके साथ ही रहता है. दे डिस्कवर द स्लीपिंग लवर्स एंड हियर दिस स्टोरी. तो वो सभी लोग जो है, ये जो जो प्रेमी जोड़े हैं, इनको पाते हैं, खोजते हैं और उसके बाद में उनकी स्टोरी को सुनते हैं. द ड्यूक ऑर्डर्स दैट दे विल बी मैरिड एज दे विश. तो ड्यूक ऑर्डर देता है कि वो जैसे चाहते हैं उनकी शादी उसके साथ में हो. ही ओवर रूल्स एजियस डिमांड्स. और वो जो एजियस का जो शिकायत रहती है हर्मिया के खिलाफ, उसको खारिज कर देता है एंड अरेंजेस एक ग्रुप वेडिंग और एक सामूहिक विवाह का वो ऑर्डर देता है. द लवर्स थिंक दैट द नाइट्स इवेंट मस्ट हैव बीन अ ड्रीम. जो लवर्स रहते हैं चारों, वो ये सोच में लग जाते हैं कि जो बीता है उनके साथ ये घटना, वो एक सपने के जैसे रही थी. द रस्टिक्स परफॉर्म द प्ले ऑफ पैरामस एंड थिस्बी बिफोर द वेडिंग गेस्ट्स. तो ये यहाँ पे फिर प्ले जो होता है, पैरामस थिस्बी जो है, यहाँ शादी में गेस्ट बन करके आते हैं, परफॉर्म किया जाता है प्ले वगैरह को. ऑल द प्लेस और द पेयर्स रिटर्न टू बेड. और सभी लोग घर लौट आते हैं, अपनी शादी को इंजॉय करते हैं. ओबेरॉन एंड टाइटेनिया सिंग एंड डांस. और ओबेरॉन एंड टाइटेनिया जो है, ये डांस करते हैं, गाना गाते हैं. दे ब्लेस द थ्री कपल्स. वो तीनों जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं. पक इज लेफ्ट टू एड्रेस ऑडियंस. और पक को भी छोड़ दिया जाता है. ठीक है, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा. आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा. थैंक यू सो मच.